गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस पर। भाई अभिलाषा, संजय, रीता, मनीष, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद दोस्तों। रूपम, रीता, जय किशन, कंपटीशन महोदय, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भैया, तो चलो, तो भैया एकदम तैयार हो जाओ। और अगर आप देने जा रहे हैं लेखपाल का पेपर, तो आप लेखपाल के पेपर में 80 प्लस टारगेट करके चलना। ठीक है, 80 प्लस टारगेट करके चलना। 80 के नीचे आया, समझ लो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का दमदार सेशन। और आज के मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में आपको जानने को जो मिलेगा वो बहुत ही शानदार चीजें मिलेंगी दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री आपका 3 दिन चलने वाला है, मतलब आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। और इन 3 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री को फोड़ के रख देंगे। शानदार क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हालांकि इजी है, जो आप में से लगभग सभी लोग कर लेंगे। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। कलकत्ता का संस्थापक पूछा हुआ है, कलकत्ता का संस्थापक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सबको पता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, जॉब चार्नॉक था। कौन था दोस्तों? जॉब चार्नॉक था। अब जरा सुनिएगा पूरी बात को दोस्तों। पूरी बात क्या है भाई, अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देख लिया कि भाई कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जॉब चार्नॉक है, क्या इसी तरह और भी शहरों के आप जानते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि और शहरों का संस्थापक कौन है। जैसे दोस्तों एक मुंबई का भी बहुत पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? मुंबई का भी बहुत पूछा जाता है। मुंबई का संस्थापक कौन है भैया? चार्ल्स ऑंगियार को माना जाता है। दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लुटियंस को माना जाता है। किसको भैया? लुटियंस को माना जाता है, जिसने राष्ट्रपति भवन की डिजाइन भी बनाई है और इंडिया गेट की भी। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऐसे ही चंडीगढ़ का भी पूछा जाता है। तो चंडीगढ़ का संस्थापक कौन? ली कार्बूसियर होता है दोस्तों। कौन होता है? ली कार्बूसियर है चंडीगढ़ का संस्थापक। इसी प्रकार से आप देखिएगा और बताइएगा दोस्तों कि भाई आपका मद्रास का संस्थापक कौन है भैया? मद्रास का संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस डे। कौन है भैया मद्रास का संस्थापक? फ्रांसिस डे है। और इसी प्रकार से पांडिचेरी या पुदुचेरी का संस्थापक कौन है भैया? पांडिचेरी का, यह पुदुचेरी नहीं, पांडिचेरी का संस्थापक कौन? तो भैया फ्रांसिस मार्टिन। कौन है दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन है इसका संस्थापक। तो अब आप बताइए कि क्या जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार जानकारी नहीं है? एकदम भैया वीके का जीके अंदाज, जबरदस्त, जिंदाबाद, पढ़ते रहिए। पेपर वर्क खोपड़िया में 6 रब की निश्चित है कि नहीं भैया? रूपम, जय किशन, रीता, बहुत बहुत स्वागत है भैया सभी का, सभी का, सभी लोग बढ़िया से जवाब देते रहिए। एकदम शानदार एकदम सेशन होने वाला है, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं भैया। एकदम भाई तेजवीर जी स्वागत है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? लो भैया सीक्वेंस बताना है आपको, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का सीक्वेंस बताना है। और मजा आता रहे तो बिल्कुल लाइक करते चलेंगे भाई निखिल। चलिए, तो दोस्तों हम सभी को पता है कि सबसे पहले कौन आया था? पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। लेकिन आइए जरा हम आपको कुछ जरूरी बातें बता दें दोस्तों। पहले कौन आया है? पुर्तगाली। फिर कौन आया है? डच। फिर कौन आए? अंग्रेजी। और फिर कौन आए? फ्रांसीसी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आने का क्रम है? ठीक है भैया, ये क्या है? ये आने का क्रम है। अगर इनकी कंपनी की स्थापना की बात करें, कंपनी स्थापना के क्रम को देखें दोस्तों, तो क्या आपको पता है दोस्तों कि कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी कंपनी बनी थी? तो सबसे पहले कंपनी बनी थी पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फिर फ्रांसीसी। जैसे आप देखिएगा इस चीज को, अगर मैं डेट वाइज लिखूं तो पुर्तगाली आए 1498 में और इनकी कंपनी भी 1498 में बन गई। ठीक है, डच आए हैं भारत कब? डच भारत आए हैं 1595-96 में, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है 1602 में। अंग्रेज आए हैं 1608 में और इन्होंने अपनी कंपनी बना ली थी 1600 में। फ्रांसीसी अपने आए हैं भारत कब? 1668 में, और इन्होंने अपनी कंपनी कब बना ली थी? 1664 में बना ली थी। तो ये डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? ये डिफरेंस अगर नहीं याद रखेंगे तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं प्रथम यात्री की, तो जरा बताइएगा कि किस देश का प्रथम यात्री कौन था जो भारत आया? तो भैया पुर्तगाली। अगर हम प्रथम पुर्तगाली यात्री की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वास्को डिगामा
प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम है ना यूरोपीय था जो समुद्री मार्ग से भारत आया। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों में कौन था भैया, तो अंग्रेजों में था कैप्टन हॉकिंस। कौन था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जो है पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत आया। ठीक है, डचों में बात करें तो कौन था भैया, डचों में हम बात करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाए कार्नेलियम, है ना। क्या था इसका नाम, कार्नेलियम ड हस्तमान, है ना भैया, या कार्नेलियम हाउटमैन भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, और फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो कौन आया था, तो भैया ये आया था फ्रैंको कैरो। कौन आया था, फ्रैंको कैरो आया था। समझ पा रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, ये पूरी बात आपको याद रखनी है और एकदम शानदार तरीके से याद रखनी है। एक बात और बताएं कि अगर हम बात करते हैं कि पुर्तगाली भारत से कब गए, तो 1961 में पुर्तगाली भारत से गए। अंग्रेज भारत से कब गए, है ना, अंग्रेज भारत से गए 1947 में देश को आजाद करके। डच भारत से कब गए, तो 1759 में जब वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों हारे हैं उसके बाद गए हैं, और 1954 में फाइनली फ्रांसीसी गए हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। ठीक है, और एक तरफ से ये पूरा जो टॉपिक होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, उसका एक अपने आप में बहुत बेहतरीन निचोड़ आपके सामने हमने रखा है। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और वीके का जीके अंदाज में आप इसको याद करेंगे और पेपर वर्क खोपड़ियां छेद करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भैया सत्येंद्र बाबू, कोई बात नहीं भैया, ऐसा है 10 बजे डेली क्लास होती है, आप नोटिफिकेशन का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। ठीक है, मतलब इंतजार ना किया करें, सीधा सीधा 10 बजे आ जाया करिए। ठीक है भैया, क्लास एकदम स्टार्ट। ठीक, कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती व्यापारी का नाम बताइए, गुजराती पायलट का नाम बताइए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कालीकट कहां पड़ता है, दोस्तों कालीकट पड़ेगा केरल में। तो जो केरला का कालीकट है यहीं पर 1498 में आया। कौन आया भैया, यहीं पर 1498 में उतरा था, कौन भाई, वास्को डिगामा, है ना। और हम कहते हैं कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, है ना भैया, अंकुश बाबू फिर से खोजो मिलेगा। ठीक है, अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, अब्दुल मजीद। जी हाँ, एकदम सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है, अंकित, अंकुश, है ना, अभिलाषा, सभी का भैया एकदम शानदार है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम आपको बताएं दोस्तों कि ये जमोरिन कौन था, तो ये स्थानीय शासक था। कहां का दोस्तों, ये जो है ना कालीकट का स्थानीय शासक था। और याद रखेंगे कि जब वास्को डिगामा भारत आया तो इसका स्वागत इसी ने किया। ठीक है भैया, इसका स्वागत इसी ने किया, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भैया, तेजवीर एकदम शानदार। ठीक है भैया, हाँ, यूपी में काबा, वीके का जीके बा, वीके का जीके, है ना भैया। चलिए एकदम भाई राम, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, यह आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि शायद ज्यादातर लोगों के पास इसका आंसर ना हो। ठीक है भैया, हाँ एकदम, लेकिन अगर आप देखेंगे अंग्रेजों की चालबाजी को आपने समझा होगा तो आप तुरंत आंसर दे लेंगे। क्या बात है भैया, जय किशन, रूपम, शिवम, एकदम भाई अंकित, शानदार आंसर दिया है, एकदम सही आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर भैया सुनील। अब जरा ध्यान दो कि भैया ये, अब आप देखो शुरू में क्या किया, जितनी कंपनियां भारत आई हैं, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, सब ने शुरू में है ना नाटक किया। क्या नाटक किया, कि हम व्यापार करने आए हैं। ठीक है, मन ने व्यापार करने दो। ठीक है, और उसके बाद दगाबाज ससुरे, ठीक है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया इन्होंने। खैर चलिए, तो भूभाग नहीं व्यापार, याद रखेंगे, है ना। और हम कह सकते हैं कि मसालों के व्यापार पर है ना इनकी मुख्य रूप से नजर थी। किस पर नजर थी, मसालों के व्यापार पर इनकी मुख्य रूप से नजर थी। ठीक है, चल, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। जी हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप में से कोई ऐसा है जो नहीं दे पाएगा, सभी लोग आंसर दे सकते हैं एकदम। अब जरा एक बात आपको बताएं दोस्तों, याद करिए कि इस संदर्भ में हमने आपको समझाया है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाएगा कि ब्रिटिश एम्पायर, क्या कहा जाएगा, अगर आपसे कहा जाएगा ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की न्यू कब रखी गई, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की न्यू कैसे पड़ी और ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में बताया था कि ब्रिटिश एम्पायर की है ना ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत अगर पूछेगा, प्रभुत्व की शुरुआत अगर पूछेगा तब आपका क्या आंसर होगा, और ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तब क्या आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना अगर पूछेगा
कब क्या पूछ आपका जवाब होगा। तो यहां पर समझिएगा कि इन दोनों के आंसर एक जैसे हैं, कैसे भाई? तो देखिए होगा क्या, अगर आपसे कभी पूछे कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव या प्रभुत्व की शुरुआत भारत में किस युद्ध में जीत से हुई, तब आपका आंसर होता है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया। और अगर आपसे पूछता है कि ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना या प्रभुत्व की स्थापना किस युद्ध में जीत से हुई, तो आपका जवाब होता है बक्सर का युद्ध 1764। और आपको बता दें कि 1764 भी इसका आंसर नहीं होगा, 1764 भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी सुनिएगा, 1764 आंसर ना होकर 1765 आंसर होगा। उसका कारण यह है कि बक्सर के युद्ध का जो फाइनल सेटलमेंट है वो 1765 में हुआ था, फाइनल सेटलमेंट 1765 में हुआ था, इस वजह से। आप जरा ध्यान से सुनिए कि 1765 में कौन सा फाइनल सेटलमेंट हुआ, अरे याद करो इलाहाबाद की संधि, ठीक है भैया, क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई है ना। और इलाहाबाद की संधि तो आप जानते हैं कि भैया एक तरफ कौन थे, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब कौन भाई, है ना, आपका सुजाउद्दौला, कौन था, सुजाउद्दौला, समझ पा रहे हैं? हाँ भैया सत्यवीर, पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था पता है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। और जब द्वैध जब द्वैध शासन प्रारंभ हुआ तो तभी से हम मानते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी क्या हुआ, प्रभुत्व स्थापित हो गया, शासन शुरू हो गया। तो इस बात को याद रखेंगे, इलाहाबाद की संधि महत्वपूर्ण है। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, ठीक है भैया, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया, एकदम भैया रूपम 1493 में है कि नहीं, हाँ, लेकिन वो स्थल मार्ग से आई थी, जरा ध्यान देना। डुप्ले की बात करें तो इसको क्या माना जाता है, है ना, फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक, ठीक है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे भारत में फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक इसी को माना जाता है, डुप्ले को, ठीक है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल डटे रहना है, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, 1493 आना, अच्छा ना, हाँ सही कहा, 1593, ठीक ठीक, है ना, अकबर के समय में। चंद्रनगर क्या था दोस्तों, चंद्रनगर एक, है ना, चंद्रनगर क्या था, तो चंद्रनगर ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, फटाफट बताइए भैया। हाँ, सहायक संधि के जनक बिल्कुल डुप्ले हैं, सहायक संधि का पहली बार भारत में सहायक संधि को शुरू करने वाले डुप्ले थे, लेकिन इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल वेले जली द्वारा किया गया था। एकदम भाई मनीष, शानदार जबरदस्त जानकारी दोस्त, एकदम सभी का, सभी लोग दोस्तों एक बार जोरदार तरीके से जरा शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के बीच जिनका भविष्य आप बेहतर देखना चाहते हैं, जिनकी मदद करना चाहते हैं, और साथ में हमारी भी, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा क्लास में स्टूडेंट देखेंगे मजा उतना ही आएगा, उतने ही दमदार मजा आएगा, ठीक है भैया। चलिए भैया सौरभ बाबू, जरा ध्यान दिया जाए भैया अभिलाषा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम फ्रेंच कॉलोनीज की बात करेंगे तो भारत में फ्रेंच कॉलोनीज जो फेमस हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो एक दोस्तों यहां पर थी आपकी, कौन सी, यहां पर थी माहे, एक तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, पांडिचेरी, एक आपको ये नाम याद करना पड़ेगा पांडिचेरी, एक आपको यहां पर मिल जाएगा कौन सा, यनम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और एक यहां पर आपको मिल जाएगा कराईकल, क्या मिल जाएगा, कराईकल, यह याद करना पड़ेगा, और एक यहां बंगाल में था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था चंद्रनगर, ठीक है दोस्तों। ये किसकी फैक्ट्रीज या, है ना भाई, कॉलोनीज बता रहे हैं, ये फ्रेंच कॉलोनीज की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंच कॉलोनीज की बात कर रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि भाई ये वो पांच क्षेत्र हैं जो भारत की आजादी के बाद भी फ्रांसीसियों के पास रह गए थे, ठीक है भैया, जिसमें से हमने चंद्रनगर को जनमत संग्रह कराकर प्राप्त किया है ना, इसको भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराकर भारत में मिलाया था। बाकी के ये जो तीन आपको यहां पे, सॉरी चार जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, बाकी की ये जो चार आपको दिख रहे हैं, इसको हमने एक समझौते के तहत प्राप्त किया, और यह समझौता हमने कब किया था, यह समझौता हमने दोस्तों किया था वर्ष 1954 में, और इस समझौते के तहत जब हमने इसको प्राप्त किया तो हमने इसको
14वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन? तो दोस्तों हमने इसको 14वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1962 में क्या किया, वर्ष 1962 में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। ठीक है भैया, हाँ तो यह भी आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या है, ठीक है, माहे पर किसी का अधिकार नहीं है दोस्त, अधिकार की बात नहीं है यहां पर। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो केरल वाला क्षेत्र है उससे सीमा लगती है माहे की, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उससे सीमा लगती है पांडिचेरी और कराईकल की, और जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है इससे सीमा लगती है किसकी, यनम की। समझ पा रहे हैं, ये पूरी बात है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी हो गई, इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? जी हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए आंसर, एकदम जबरदस्त है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। बताइए भाई, एकदम एक तरफ से सभी का आंसर आना चाहिए और किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताइए तो भाई, देखिए क्या होना चाहिए आंसर। देखिए एकदम बिल्कुल, कोई 1813 बता रहा है, कोई 1833 बता रहा है, मुझे पता है कि ये कंफ्यूजन क्यों है। देखिए दरअसल में हुआ क्या कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये समझनी है कि अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, है ना। इसका व्यापार कब शुरू हुआ, व्यापार प्रारंभ कब हुआ भारत के साथ, तो भारत के साथ इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया 1608 में। ठीक है, अच्छा अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की शुरुआत कब हुई, प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ, तो यह हुआ है जाकर 1765 में। कब हुआ है, 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। अब देखिए क्या हुआ कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया और 1833 में भी एक चार्टर एक्ट आया। इन दोनों के बारे में समझिए, इन दोनों में ही है ना कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं इनको समाप्त करने की बात की गई, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की बात की गई। लेकिन जरा समझिएगा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की बात तो हुई यहां पर, लेकिन शर्तों के साथ। क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होंगे लेकिन चाय व चीन को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर, कि चाय का जो व्यापार है और जो चीन में व्यापार चल रहा है इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़कर। ठीक है भैया, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है। लेकिन पूरी तरह कब खत्म हुआ, है ना, पूर्णतः कब खत्म हुआ व्यापारिक एकाधिकार, तो पूर्णतः खत्म हुआ है जाकर 1833 में। लेकिन 1813 में खत्म तो हो गया था, तो 1813 मानेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया, तो 1813 में खो दिया था, लेकिन एक अपवाद बचा था और वो था चाय। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए थे। हाँ भैया मनीष, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? लो भैया एकदम शानदार क्वेश्चन है, किसके किसके पास इसका आंसर है देखें भैया, फटाफट बताइए। और दोस्तों आपको बता दें कि मैं एक हिंट भी दे रहा हूं कि भारत का जो पहला नगर निगम था वो भी यही था। जी हाँ, भारत का जो पहला नगर निगम था वो भी यही था, और आंसर क्या है, मद्रास है। क्या है, मद्रास। एकदम शानदार भाई, अरे गजब शानदार भाई तेजवीर, एकदम जबरदस्त जवाब भाई शिवम। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मैं बात करूं आपके, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं जितनी भी प्रमुख दोस्तों क्या, जितनी भी प्रमुख ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज वगैरह लगी हैं उन सबके बारे में आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो याद करिए दोस्तों, यहां पर है सूरत, ठीक है, यहां पर सूरत है, ठीक है, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, यहां पर मुंबई है, मुंबई में भी अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ठीक है भैया। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे मद्रास, मद्रास में भी अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई, मद्रास में भी लगाई। जी हां दोस्तों, इसके बाद यहां पर देखेंगे विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम वगैरह में भी लगाई, ठीक है भैया। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर एक उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा में एक स्थान था जिसका नाम था बालासोर, ठीक है भैया, क्या नाम था इसका, बालासोर, यहां पर भी लगाई। यहां पर आप देखोगे तो एक जो आपका कलकत्ता है, कलकत्ता में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, कलकत्ता में तो थी इनकी फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पर इन्होंने कासिम बाजार में भी अपनी फैक्ट्री
फैक्ट्री लगाई, कहां पर, कासिम बाजार में भी अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। और इसके अलावा यहीं पर हुगली में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, कहां पर, हुगली में भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई। और यहां पर तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में एक था आपका, कौन सा था, क्या नाम था उसका, मसूलीपट्टनम, क्या नाम था इसका, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, कहां पर, मसूलीपट्टनम में भी। अब जरा सबके वर्षों की बात कर लेते हैं, तो अगर हम वर्षों की बात करें तो देखिए सूरत के मामले में आपको दो ईयर याद करने पड़ेंगे, एक तो 1608 याद करना पड़ेगा और दूसरा 1613 याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, 1613 याद करना पड़ेगा, ठीक है भैया। मुंबई के मामले में आपको क्या याद करना चाहिए, 1687 याद करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, 1687 याद करना चाहिए, ठीक है भैया। मद्रास में कंपनी कब बनी थी, मतलब फैक्ट्री कब बनी थी, 1639 में। मसूलीपट्टनम में कब बनी थी, 1611 में। बालासोर में कब बनी थी, तो 1635 में बनी थी, है ना। कलकत्ता में कब बनी थी, तो 1697 में जाकर बन पाई थी, ठीक है भैया। हुगली में और यहां पर दोनों जगहों पर 1651 में बन गई थी, कब बनी थी, 1651 में। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं क्या, आइए जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पेपर में कैसे पूछा जाता है, अगर आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री, ठीक है भैया, पहली फैक्ट्री अगर पूछता है तो आपको यह बताना है 1608 में अस्थाई और 1613 में अस्थाई। अगर आपसे कहा जाएगा भारत में पहली अस्थाई फैक्ट्री, पहली अस्थाई फैक्ट्री या पहली अस्थाई कोठी या पहला अस्थाई कारखाना, पूरी बात अच्छे से सुनिए, आधी बात पढ़ाने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, पूरी बात सुनेंगे शानदार तरीके से, ठीक है भैया। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री, और जरा ध्यान दीजिएगा, एक और बात कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में पहली, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री थी ये ओवरऑल, ठीक है भैया। अच्छा, अगर आपसे कहा जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने भी पूछा था क्या, कि बंगाल में पहली फैक्ट्री, अगर आपसे कहा जाएगा बंगाल में पहली फैक्ट्री तो आप इसको बताएंगे, और अगर आपसे कहा जाएगा पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री, तो पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री ये थी, पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री ये थी, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कई और चीजें जो हमने बताई हैं, कि जैसे वह कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो कलकत्ता का संस्थापक था कौन, जॉब चॉर्नॉक था, कौन था, जॉब चॉर्नॉक था इसका संस्थापक, ठीक है भैया। और बंबई का संस्थापक कौन बताया था, ओंगियार बताया था, क्या बताया था, ओंगियार बताया था। मद्रास का संस्थापक किसे बताया था, तो फ्रांसिस डे को बताया था, समझ पा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भैया ये एकदम जबरदस्त जिंदाबाद है और विकी का जी के अंदाज है एक ही। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक ही नजर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी फैक्ट्रीज थी सारी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं, नजर आ रही है ना भैया। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, शानदार है, धमाकेदार है भैया एकदम, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहां से किया था, है ना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप देखेंगे भैया तो मामला यह है कि अगर आप अल्बुकर्क के बारे में देखेंगे तो कुछ बातें हैं, जैसे ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, पहला कौन था भैया, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भाई साहब, पहले की अगर हम बात करेंगे तो पहला था अल्मेडा, क्या नाम था उसका, पहले का नाम था अल्मेडा, ठीक है। और अल्मेडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी, मतलब वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं था उसका, शांत जल की नीति जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया, जिसको इंग्लिश में कहा गया दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी। और ढंग से पढ़ लो, पेपर में क्वेश्चन छपेगा एकदम दमदार छपेगा भैया, ब्लू वाटर पॉलिसी। और एक बात कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे मानते हैं भाई, पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक या पुर्तगाली राज्य का संस्थापक इसी को माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली राज्य का संस्थापक इसी को माना जाएगा दोस्तों, है कि नहीं भैया मनीष बाबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा ध्यान दो भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीजापुर होगा। तो बीजापुर के एक सुल्तान थे, क्या नाम था बीजापुर के सुल्तान का, यूसुफ आदिल शाह नाम था। कब जीता था भाई, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने किस वर्ष गोवा को जीता था, ठीक है भैया, एकदम शानदार तरीके से बताइए, ठीक है भैया एकदम फटाफट बताइए। अच्छा भैया भक्ति भवन, ठीक है फटाफट बताइए। अरे वाह क्या बात है, मनीष रूपम पूजा सुनील बहुत शानदार भाई देव, है ना, कहां भैया देव तो 1608 में पहुंच गए, अरे देववाणी हो रही। अब जरा ध्यान दो, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1510, कब होगा, 1510 में किया है कब्जा, ठीक है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया,
है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब भी आता है तो छका के जाता है अच्छे अच्छों को भैया, छका के जाता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप पूरी अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, कर्नाटक के युद्ध की बात करें तो ये 20 वर्षों का संघर्ष है, 20 वर्षों का संघर्ष है। और ये 20 वर्षों का संघर्ष किसके किसके बीच चला, तो किसका किसका आंसर आ रहा है एकदम सही भैया, तो किसका किसका आंसर आया सही आ रहा है, वाह सभी का आंसर एक तरफ से सही आया। लेकिन भैया कितने युद्ध हुए थे जरा कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के कितने युद्ध हुए और कब हुए ये भी बताइए। तो भैया ऐसा है कि कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तो फटाफट बताइए कौन कौन से है? मतलब कब कब हुए हैं। तो पहला वाला हुआ था कब से कब तक, 1746 से 48 तक। दूसरा वाला कब तक हुआ था, 1749 से 54 तक। और तीसरा वाला कब हुआ था, तो तीसरा हुआ था 1756 से 1763 तक। समझ गए जी हाँ। और इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम क्या रहा, अंतिम रूप से फ्रांसीसियों का पतन हो गया, है ना भैया, अंतिम रूप से फ्रांसीसियों का पतन हो गया। समझ गए भाई रूपम, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है, लो भैया बताओ। तो दोस्तों देखिए, बक्सर का युद्ध, भाई बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 1760 में। तो अब सीक्वेंस में कौन सा ठीक रहेगा, तो पहले प्लासी होना चाहिए फिर वांडीवास फिर बक्सर, तो पहले प्लासी फिर वांडीवास फिर बक्सर, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। समझ गए भैया, बिल्कुल ठीक है भैया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों कि बंबई दहेज में किसे मिला, ले आओ भैया बंबई दहेज में मिला, बताओ उससे सुना, छोटी मोटी चीज नहीं पूरा बंबई दहेज में मिल गया ठीक। तो दोस्तों बंबई दहेज में मिला था इंग्लैंड के, है ना, किसको, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है भैया, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। दरअसल में मामला क्या हुआ दोस्तों, आंसर क्या है भैया, ए है। अब देखना समझना इसमें मामला क्या है, 1661 में हुआ ये कि पुर्तगाल की राजकुमारी, कहां की भैया, पुर्तगाल की प्रिंसेस, है ना, और प्रिंसेस का नाम क्या था, प्रिंसेस का नाम था कैथरीन, क्या नाम था इनका, प्रिंसेस थी कैथरीन, इनका विवाह हुआ ठीक है ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था इनका, चार्ल्स द्वितीय भैया, तो चार्ल्स द्वितीय के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। तो जब विवाह हुआ तो इनको बंबई दहेज में मिला, अब जब इनको बंबई दहेज में मिल गया तो इन्होंने 1668 में 10 पौंड के वार्षिक किराए पर, है ना, पर ईयर के रेंट पर इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। समझ पा रहे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। चला जाए, दहेज किसने दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था भैया। देखे बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था भाई, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाइक दबाकर करते चलेंगे। तो भैया बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था, राइट आंसर क्या होगा, सभी के पास इसका आंसर आना चाहिए एकदम भाई एकदम भाई जय, तो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों क्या, मुर्शिद कुली खान, क्या होना चाहिए, एकदम सही भाई मनीष बाबू। अब जरा ध्यान देना, दरअसल में है क्या, हमने आपको पहले भी बताया है कि क्या करिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन, अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन, ठीक है, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन, है ना भैया, और आपका इसके बाद एक और होता ना, हाँ हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन, ये वो क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी के पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, मुर्शिद कुली खां हुआ, कौन हुआ भैया, मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक हुआ, ठीक है। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तो अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक हुआ सआदत खां, इसका एक और नाम था, क्या नाम था, इसका एक और नाम था सआदत खां का, बुरहानुल मुल्क, क्या नाम था, बुरहानुल मुल्क इसका नाम था, तो इसको भी याद रखो, ठीक है। और जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ, मलिक सरवर हुआ था, और मलिक सरवर की उपाधि किसी को याद है, फटाफट बताओ मलिक सरवर की उपाधि बताओ। हैदराबाद का संस्थापक कौन था भैया, तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो क्या नाम था इसका भाई, जिसको कहा जाता था आज आसफ जहां, क्या नाम था इसका, निजामुल मुल्क आसफ जहां, क्या नाम था इसका, निजामुल मुल्क आसफ जहां, निजामुल मुल्क आसफ जहां, इसका वास्तविक नाम कमेंट करके बताओ भाई, देखें किसके किसके पास इसका आंसर है, क्या बात है, शानदार भाई एकदम भैया अभिलाषा एकदम सही कहा एकदम भैया रूपम, ठीक है भैया। तो ये जो मलिक सरवर है इसका क्या हो गया भाई, इसकी उपाधि क्या थी दोस्तों, ख्वाजा जहां, क्या थी इसकी उपाधि, ख्वाजा जहां इसकी उपाधि थी। अच्छा निजामुल मुल्क आसफ जहां का वास्तविक नाम कौन बताएगा, अरे वाह
शिवम बाबू जबरदस्त। राइट आंसर होगा इसका किन किलिज खां। इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम था किन किलिज खां, ठीक है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा वो तो चलो ठीक है, यहां से कुछ और क्वेश्चन जो फेमस आते हैं, जैसे है ना, इसमें से दो ऐसे राज्य हैं जहां का अंतिम नवाब भी पूछा जाता है, अंतिम नवाब भी पूछा जाता है। किसका किसका अंतिम नवाब पूछा जाता है? तो आप देखेंगे, एक तो है ना किसका भैया, एक तो जौनपुर का अंतिम नवाब पूछा जाता है और दूसरा अवध का अंतिम नवाब पूछा जाता है। तो क्या होगा आंसर? तो देखो, जौनपुर का अंतिम नवाब कौन था? हुसैन शाह सरकी था। कौन था? हुसैन शाह सरकी था, ठीक है भैया, हुसैन शाह सरकी, ठीक है, ये जौनपुर का अंतिम नवाब था। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है भैया, वाजिद अली शाह। और ये क्वेश्चन में बहुत आता है, ठीक है, वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने उठा के कलकत्ता में नजरबंद कर दिया था, ठीक है भैया, ये पूरी जानकारी है, ठीक है। और पूरी जानकारी आपको यहां पर बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, क्योंकि वीके का जीके अंदाज ना झुकेगा और ना आपको झुकने देगा, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना भाई, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। बहुत खतरनाक। आपको बताएं दोस्तों, ये जो शाही फरमान यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको जारी किया गया था 1717 में, है ना, और इसको जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? अरे वाह, शानदार भाई, रीता, तेजवीर, जय, प्रविंद, सभी का आंसर ठीक है भैया। देखो, फर्रुख शियर ने इसको जारी किया था। और आप देखोगे इसके इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ पता है भाई? देखो, मात्र 3000 रुपए के बदले में बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, इन तीनों जगहों पर अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई। दूसरा क्या हुआ? मात्र 10000 रुपए के बदले में सूरत में भी टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल गई। उसके बाद है ना, बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में, है ना भैया, बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी अनुमति मिल गई। समझ गए? पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी अनुमति मिल गई। इसी वजह से इस शाही फरमान को कहा जाता है क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, फोड़ा हो गया था ससुरे को। सही कहा, है ना भैया। हाँ, तब का 10000 आज के 2 करोड़ के बराबर, एकदम सही। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? लो भैया, देखो, आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की, ये आपको बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से समझकर जवाब देना। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भैया। देखो, होता क्या है कि हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? तो ये 1698 के आसपास लगाई गई, 1697-98 में लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना 1690 में ही हो गई थी, ठीक है, और वो भी किसने करी थी? जॉब चौर्न। क्या आपको पता है कि 3 गांव थे जिसमें से एक का नाम था कोलकाता? क्या नाम था? कोलकाता। एक का नाम था सूतानाती। क्या नाम था? सूतानाती। और एक का नाम था दोस्तों गोविंदपुर, ठीक है। क्या नाम था? गोविंदपुर। और ये जो तीनों है, कोलकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, यही तीनों क्षेत्र, यही तीनों गांव क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा खरीद लिया गया और इसी को मिलाकर क्या बना दिया गया भैया? कोलकाता बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कोलकाता बना दिया गया। समझ गए? अरे मतलब कलकत्ता, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, किसका नाती? सूतानाती, है ना। हाँ, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई? खतरनाक भैया, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। दरअसल में हुआ क्या था पता है? मामला कुछ ऐसा था कि बंगाल में एक जगह है ना, बंगाल में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊं कि मामला कुछ इस प्रकार से था कि जो बंगाल है यहां पर है ना, अंग्रेजों का एक कारखाना हुआ करता था कहां पर? कलकत्ता में, है ना। अंग्रेजों का अड्डा यहां पर कलकत्ता था और जो फ्रांसीसी थे उनका अड्डा क्या था? उनका अड्डा चंद्रनगर था, ठीक है। जरा समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो है आप समझिए कि भाई चंद्रनगर किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के, फ्रांसीसियों का अड्डा था और ये अंग्रेजों का अड्डा था, ठीक है। तो हुआ ये कि है ना, शुरू हो गया
तीसरा कर्नाटक का युद्ध है ना, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध आप पढ़ते हैं ना, तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। जब तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, दरअसल में इसी दौरान यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था। क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था, है ना। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटक के युद्ध में लड़ रहे हैं और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो चूंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इन्होंने क्या करी, अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू की और फ्रांसीसियों ने, है ना, किसकी भैया, है ना, चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू की। और उस समय यहां बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया, ठीक है भैया, दोनों को मना किया। सिराजुद्दौला ने मना किया, किसको मना किया? दोनों को मना किया। इनको भी मना किया कि भैया मान जाओ, और इनको भी मना किया कि मान जाओ यहां पर किलेबंदी नहीं करनी है, यह हमारी जमीन है, तुम यहां केवल कारखाना लगा सकते हो, किलेबंदी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ कि फ्रांसीसी मान गए, ठीक है, फ्रांसीसी मान गए, लेकिन ये नहीं माने, ठीक है भैया, ये क्या हुआ, ये नहीं माने, इन्होंने किलेबंदी जारी रखी। अब जब किलेबंदी इन्होंने जारी रखी तो नवाब के लिए मजबूरी हो गई कि कलकत्ता पर हमला किया जाए, और यही कारण था कि नवाब ने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, सीधा नवाब ने क्या कर दिया, नवाब ने भैया कर दिया कलकत्ते पर हमला, ठीक है भैया, किस पर हमला, कलकत्ता पर हमला कर दिया। और आपको बताएं दोस्तों, कलकत्ता पर हमला करके कलकत्ता को जीत भी लिया, और कलकत्ता को जीत कर नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया बताएं, कलकत्ता को जीत कर नवाब सिराजुद्दौला ने, है ना, जीत कर इसका नाम बदल दिया, जीत कर इसका नाम बदल दिया, जीत कर नाम बदल दिया, और नाम बदल कर क्या रख दिया, नाम बदल कर इसका रख दिया नाम अलीनगर। मतलब कलकत्ता का नाम क्या हो गया, अलीनगर हो गया, है ना। और इसी दौरान 146 इसी हमले के दौरान 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके, मजे की बात सुनना, मजा आ गया था भाई, 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके छोटी सी कोठरी में, है ना, छोटी सी कोठरी में, है ना, कहते हैं कि गर्मी, प्रचंड गर्मी के मौसम में छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को ठूस के भर दिया, ठीक है, रात में ठूस के भरा। जैसे ही सवेरे, है ना, दरवाजा खोला गया तो 146 में से 123 निपट चुके थे, है ना, 123 निपट चुके थे, और जो 23 बचे थे उसमें से एक बचा था हालवेल, और यह वही हालवेल है जिसने इस ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ उस रात, ठीक है भैया, और इसी को कहते हैं का ब्लैक होल की घटना, ठीक है, हाँ, ब्लैक होल की घटना, ठीक है। तो ये घटना दोस्तों इतिहास में काफी जानी जाती है, और इस हालांकि इसके बाद क्या हुआ, अब आप कहेंगे सर इसके बाद क्या हुआ, भाई साहब इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज वहां मद्रास से पूरा जो है गोलबंदी करके आए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से अंग्रेजों ने इधर की तरफ कूच किया, किधर कूच किया, इधर जो मद्रास में अंग्रेज थे ये आ गए कलकत्ता सब इकट्ठा होकर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और सिराजुद्दौला के सारे सैनिकों वैनिकों को, खास करके सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया, और प्लासी का युद्ध लड़ा, मार के भगा दिया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई सिराजुद्दौला की, समझ रहे हैं, हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, हाँ, बंद रखते है ना, 23 को फलतुए में छोड़ दिया, चलो फिलहाल इसको याद रखेंगे, अलीनगर की संधि भी हुई आगे चलकर। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, हुआ क्या पता है, यहां पर आप देखेंगे कि जो नवाब है आपका कौन भाई, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां दोस्तों, अलीवर्दी खान ने, है ना, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए, दरअसल में ये आप जानते हैं सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला इसके नाती थे, ठीक है भैया, हाँ जी हाँ, इसका नाती कौन था, सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां के नाती थे, इस बात का ध्यान रखना। और एक बात और बता दें कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले बिहार का नाइब था, बिहार का नाइब था, मतलब यह है
कि और उस समय बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खां हुआ करता था, ठीक है। तो अलीवर्दी खां ने अपने नाती सिराजुद्दौला, क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, है ना, केवल पुत्रियां थी, तो पुत्रियों में से एक पुत्री पुत्री का लड़का था सिराजुद्दौला, उसी को नवाब घोषित करते हुए अलीवर्दी खां ने इसको समझाया कि भैया यूरोपियों से मत अटकना, क्योंकि मत लड़ना, क्योंकि यूरोपीय मधुमक्खियों के समान है, जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक मधुमक्खी देंगी, और जैसे ही छेड़ोगे डंक मार मार के परेशान कर देंगे, ठीक है भैया। मजा आए तो लाइक करते चलेंगे। सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो हम सभी जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है भैया, प्लासी का युद्ध हुआ, और एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना किसके नेतृत्व में थी? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी, ठीक है भैया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी, और दूसरी तरफ बंगाल की सेना थी, और बंगाल की सेना का सेनापति कौन था भैया? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। यह बंगाल की सेना का क्या था? सेनापति था, ठीक है। लेकिन ध्यान भी रहे, ठीक है भैया, ध्यान भी रहे कि यह जो आपका मीर जाफर है यह किसका सेनापति था? यह जो है सेनापति था सिराजुद्दौला का। किसका सेनापति है? सेनापति था, सेनापति भी था और दामाद भी था, ठीक है, ससुरा दामाद भी था, सेनापति या दामाद था किसका भैया? तो सिराजुद्दौला का। और आपको बताएं कि इस युद्ध में फिर हुआ क्या? इस युद्ध में यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खरीद लिया, और इसी वजह से आप देखेंगे मीर जाफर को क्या कहा जाता है? मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। तो अगर कभी पेपर में पूछे कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे मीर जाफर को, विश्वासघाती था, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, चोर आदमी था, एकदम सही कह रहे हो, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ तो भैया रॉबर्ट क्लाइव जो है बड़ा खतरनाक, रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है पता है? स्वर्ग से उतरा सेना नायक। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उतरा सेना नायक, ठीक है भैया। बिल्कुल भैया अभिलाषा। चलो, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? क्या बात है, किसके किसके पास जवाब है? लो भैया, एक तरफ से सभी का आंसर आ रहा है, अरे ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है रायगढ़। तो भाई साहब रायगढ़ जो है शिवाजी की क्या थी? राजधानी थी, ठीक है, क्या थी? राजधानी थी। और रायगढ़ में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहां कराया था? रायगढ़ में कराया था। कब कराया था? 1674 में कराया था, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, लेकिन राइट आंसर क्या है? शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था 1627 में, ठीक है भैया, 1627 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, एकदम भैया अभिलाषा, शानदार भाई अजय, एकदम सही आंसर दिया है भाई अमन बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहां हुआ? लो भाई, अभी अभी आपको बताया था, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइव ने आत्महत्या ही की थी। तो दोस्तों इसका आंसर है रायगढ़, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? तो भैया हमने बताया 1674 में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? तो 1680 में। और क्वेश्चन एक आता है कि मृत्यु कैसे हुई थी? ज्वर से मृत्यु हुई थी। कैसे? ज्वर से मृत्यु हुई थी, मतलब बुखार से, ठीक है भैया। चल आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यह युद्ध लड़ा गया था 1659 में, और इस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा भैया, सलहार के युद्ध में। किसमें भैया? सलहार के युद्ध में, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताना जी की कहानी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी दिखाई गई है, बट फिर भी बहुत वीर पुरुष थे, ठीक है भैया। चलिए एकदम शानदार है, एकदम ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई देखिए एक बात और है कि अगर आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका दो बार राज्याभिषेक हुआ है। अगर हम दो बार राज्याभिषेक की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में ऐसे तीन चार शासक हैं, इसमें से प्रमुख रूप से आप किसका किसका नाम याद रखें? एक तो औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ है, ठीक है, औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ है। एक तो शिवाजी का भी, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी दो बार राज्याभिषेक हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक मोहम्मद फिरोज तुगलक था दिल्ली सल्तनत में, उसका भी राज्याभिषेक दो बार हुआ था। और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग कि इन तीनों को ही आप क्या करें, याद रखें, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें कि नहीं, हुमायूं का दो बार राज्याभिषेक नहीं हुआ था। वैसे आपको बता दें कि पुरंदर की संधि दो दो है
है ना, एक पुरंदर की संधि 1776 में भी हुई थी। जी हाँ, 1776 में एक पुरंदर की संधि हुई थी और ये दूसरी वाली पुरंदर की संधि थी। और ये वाली पुरंदर की संधि में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ उस समय के पेशवा थे, है ना, कौन, माधव नारायण राव। ठीक है, तो ये दूसरी है। ठीक है, अच्छा फिलहाल ये बताइए पहली वाली, सॉरी तो भैया इसका राइट आंसर, एकदम बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है और इसका राइट आंसर क्या है, शिवाजी और जयसिंह। जयसिंह कौन थे भैया, तो औरंगजेब के समय में मुगलों के सबसे, औरंगजेब के समय में है ना मुगलों के सबसे योग्य सेनापति थे, है ना। मनीष बाबू, हुमायूं का दो बार राज्यभिषेक नहीं माना जाता, हम समझ रहे हैं कि 1530 एक बताना चाह रहे हो आप और दूसरा 1555 बताना चाह रहे हो। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान दो कि भाई देखिए शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई और इसी के बाद आपने देखा एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, जब ये पुरंदर की संधि हुई ना इसके बाद शिवाजी को मजबूरन औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाना पड़ा। ठीक है, इसी संधि के बाद औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को आगरा जाना पड़ा और इसी के बाद जब आगरा पहुंचे मिलने ना तो आगरा में जयपुर भवन में इनको कैद कर दिया गया। कहां भैया, जयपुर भवन में कैद कर दिया गया था, किसको, शिवाजी को। तो यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछा है कि शिवाजी को जयपुर भवन में जो कैद किया गया था तो जयपुर भवन है कहां। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि जयपुर भवन है कहां, तो लोगों को लगता है राजस्थान में होगा, नहीं आगरा में है। ठीक है भैया, चलिए है ना अगला क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। दोस्तों शिवाजी के दो गुरु थे, एक तो आध्यात्मिक गुरु और दूसरा पॉलिटिकल गुरु मतलब राजनीतिक गुरु। तो फटाफट बताइए किसके किसके पास इसका आंसर है। तो अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादाजी कोंडदेव। क्या हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। लेकिन आध्यात्मिक गुरु पूछ रहा है तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, रामदास होगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है, यह तो आसान क्वेश्चन है, हमने आपको बताया हुआ है कि अष्टप्रधान का मतलब क्या था, आठ मंत्रियों की परिषद। ठीक है भैया, आठ मंत्रियों की परिषद को क्या कहा गया है, अष्टप्रधान कहा गया है। उधर अष्ट दिग्गज भी बताया है कृष्णदेव राय के समय में, और इसको याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक थी दोस्तों, पेशवा की अपनी सूची। क्या ट्रिक बताई थी, पेशवा की अपनी सूची। इस एक सिंपल सी ट्रिक से आपको ब्रह्मांड में कहीं और ये ट्रिक नहीं मिलेगी, जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा केवल वही बता सकते हैं, पेशवा की अपनी सूची। ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद होगा कि वो आठ मंत्री कौन थे भैया, आकाश बाबू जरा ध्यान दो। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि पे से क्या हो जाएगा, पे से हो जाएगा पेशवा, क्या हो जाएगा पेशवा, स से क्या हो जाएगा सरनो बात या सर ए नौबत, वा से क्या हो जाएगा वाकया नवीस हो जाएगा, फड़नवीस में याद कर लेना, आ से क्या हो जाएगा अमात्य हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा पंडित राव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पंडित राव, न से क्या हो जाएगा न्यायाधीश हो जाएगा, सु से क्या हो जाएगा सुमंत हो जाएगा, जो कि विदेश मंत्री था और इसको दबीर भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था दबीर भी कहा जाता था, और ची से क्या हो जाएगा चिटनिस भी हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा चिटनिस हो जाएगा। तो भैया पेपरवा के खोपड़िया में आपकी छेद निश्चित है, बस आप मन लगाकर पढ़े, है ना भैया, मजा आएगा शानदार। ठीक है, तो भैया इसका राइट आंसर हो गया क्या भैया, शिवाजी, क्या हो जाएगा शिवाजी। और कृष्णदेव राय के समय में अष्ट दिग्गज जो आठ तेलुगु कवियों का समूह था, जिसकी वजह से इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भैया जबरदस्त जिंदाबाद वीके का जीके अंदाज। अगला क्वेश्चन, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, हाँ अमात्य को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता था, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य जो है वित्तीय विभाग जो है वो देखता था मुख्य रूप से। चलो भाई फटाफट बताओ, मजा आए तो लाइक सभी को करना है, बिल्कुल बिना लाइक किए कैसे काम चलेगा। तो देखो दोस्तों पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी, तो भैया बालाजी बाजीराव ने, किसने की थी, बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, बालाजी बाजीराव ने पेशवा वंश की स्थापना की थी और ये वास्तविक पेशवा बने कब, 1713 में। ठीक है, 1713 से लेकर 1720 तक ये रहे थे और इनके मृत्यु के बाद है ना कौन हुआ पेशवा, उसके बाद हुए बाजीराव प्रथम, कौन हुए बाजीराव प्रथम। ठीक है भाई, एकदम, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, और अंतिम पेशवा कौन हुआ, अंतिम पेशवा, ये पहले पेशवा है एक तरह से और अंतिम पेशवा
पेशवा कौन है? अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय। कौन भैया? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। हाँ, जीके विद वीके। बिल्कुल भाई नया जी, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई नया जी। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? फटाफट बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ, मस्तानी वाले बाजीराव, वो थे बाजीराव प्रथम थे। जब मस्तानी आप पढ़ते हैं, मस्तानी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की थी और बाजीराव प्रथम से, है ना, के समय में ये आपको प्रसंग सुनने को मिलता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के संचालक किसने, संचालन किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना भैया बाबू। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका राइट आंसर होता है बाजीराव प्रथम। किसने किसने आंसर दिया? अरे वाह शिवम बाबू, शानदार भाई, श्रवण शिवम, अच्छा क्या बात है। सुनील बाबू गड़बड़ा ही गवा आंसर। चलिए जरा ध्यान दो। तो ये देखो ऐसा है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुरिल्ला युद्ध के, क्या क्वेश्चन आता है? गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़े पथ प्रदर्शक बताइए, तो सबसे बड़े पथ प्रदर्शक पूछा जाए तो आप बताएंगे शिवाजी। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक, तब बाजीराव प्रथम। हालांकि गुरिल्ला युद्ध का, है ना, जो जनक है, जो जानकार है, वो मलिक अंबर भी था, है ना। और शिवाजी जो है, ना, मलिक अंबर की जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी उसी को सीखा हुआ था इन्होंने। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। नहीं, बाजीराव द्वितीय नहीं, बाजीराव प्रथम। ठीक, चलिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था भाई? अरे वाह, मजा आ जाएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो भाई, तो बताइए, एकदम शानदार भैया, शिवम बाबू का सबसे पहले आंसर आया, सबसे तेज, सबसे शानदार। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, नेवी के जनक भी शिवाजी को ही माना जाता है। देखिए एक बात समझिएगा, जब हम पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं, तो सबसे पहले कि पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण क्या था? तो भैया इसका कारण था लाहौर से तैमूर शाह का निष्कासन। ठीक है भैया, लाहौर से तैमूर शाह का निष्कासन। अब आप कहेंगे ससुरा तैमूर शाह कौन था, है ना? तो तैमूर शाह दरअसल में, है ना, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। किसका पुत्र था? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो लाहौर से तैमूर शाह का निष्कासन, तो ये अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, इसी को निकाल दिया था मराठों ने यहां से, इसीलिए 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। अब आप जानते हैं कि मराठा सेना को लीड किसने किया है? तो भैया ये थे सदाशिवराव भाऊ। और अफगान सेना को किसने लीड किया? अफगान सेना को लीड किया खुद अहमद शाह अब्दाली ने। किसने भैया? अहमद शाह अब्दाली ने खुद लीड किया। अब एक बात और सुनिएगा, एक बात और यह है कि मराठों की ओर से एक इब्राहिम शाह गार्दी लड़ा था। इब्राहिम शाह गार्दी कौन था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एकदम गर्दा उड़ा दिया भैया इसने। ठीक है, इब्राहिम शाह गार्दी कौन था? तो मराठा तोपची, है ना, तोपों का प्रमुख था, ये एक तोपची था दोस्तों, है ना। मराठा तोपों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? इब्राहिम शाह गार्दी। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक मुस्लिम सेनानी, है ना, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इब्राहिम शाह गार्दी। अच्छा, अफगानों का साथ किसने दिया था? हमारे अवध के, है ना, बेवकूफ शासक, क्या नाम था उसका? सुजाउद्दौला। इस सुजाउद्दौला ने, है ना, क्या किया था? इस सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। तो सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसको पड़ोस में यहां लिख देते हैं, इसका नाम याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, ये अवध का नवाब था। ठीक है, अवध का नवाब जिसने अफगानों का साथ दिया। यूपी ट्रिपल एससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, जब से बाबा जी मुख्यमंत्री बने तब से कुछ ज्यादा ही। ठीक है, अवध का नवाब जिसने अफगानों का साथ दिया। ठीक है भैया, अफगानों का साथ दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, धोखा दिया बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल भाई अभिलाषा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारा जाने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? जस्ट अभी बताया है दोस्तों, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। तो भैया ऐसा है कि इसी क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको बता रहे थे, इब्राहिम शाह गार्दी। ठीक है भैया, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह संधि कौन सी थी? जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि जो एंग्लो मराठा वॉर है,
है ना, वो कौन कौन से हुए और कब हुए। तो आइए जरा एंग्लो मराठा वॉर को समझ लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, आप ऐसे तथ्यों से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो पहला वाला कब हुआ, तो पहला वाला हुआ था दोस्तों 1775 में शुरू हुआ था और 1782 में खत्म हो गया था। दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा हुआ था 1803 में शुरू हुआ था और 1805-6 में खत्म हो गया था, ठीक है। तीसरा वाला कब हुआ था, 1817 में स्टार्ट हुआ और 18 में खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बात यह है कि जो पहला वाला है इस दौरान पेशवा कौन था, तो पहला वाला जो है इस दौरान पेशवा कौन था भैया, तो इस दौरान पेशवा थे दोस्तों हमारे माधव नारायण राव। कौन थे, माधव नारायण राव इस दौरान मराठा पेशवा थे, ठीक है। माधव नारायण राव इस दौरान मराठा पेशवा थे, ठीक है। अच्छा अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के दौरान पेशवा कौन था, तो इन दोनों के दौरान पेशवा एक ही व्यक्ति था और वो था बाजीराव द्वितीय। कौन था, बाजीराव द्वितीय। पूरी जानकारी लीजिएगा, एकदम वीके का जीके अंदाज, जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है भैया। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रहे ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। और इस दौरान गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। देख रहे हैं कितना बहुत छोटा सा अंतर है, यहां पर भी हेस्टिंग्स है, ठीक है, ये भी हेस्टिंग्स है, ये भी हेस्टिंग्स है, ठीक है। अच्छा यहां पर कौन था, तो यहां पर गवर्नर जनरल था वेलेजली। क्या था, कौन था, वेलेजली था, ठीक है भैया। कौन था, वेलेजली था। अगर हम कारणों की बात करेंगे दोस्तों, तो आइए जरा कारण भी बता देते हैं कि इसका कारण क्या था। तो अगर आप देखेंगे तो कारण में यह था कि जो पहला वाला है तो इसमें पेशवा उत्तराधिकार है ना, पेशवा उत्तराधिकार विवाद, ठीक है। तो पेशवा पद को लेकर जो उत्तराधिकार का विवाद था उसकी वजह से यह युद्ध हुआ, पेशवा उत्तराधिकार विवाद। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था सूरत की संधि, ठीक है भैया। कौन सी संधि, सूरत की संधि, जो कि है ना 1775 में ही हुई थी है ना, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है। और जो दूसरा वाला हुआ इसका कारण क्या था, इसका कारण था आपका कौन सा भैया, इसका कारण था आपका बसीन की संधि। कौन सी, बसीन की संधि, जिसके तहत मराठों ने क्या करा था, अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करके अपने आप को गुलाम बना लिया एक तरह से। और तीसरे का कारण यह था कि अंग्रेजों की प्रभुत्व, अंग्रेजों की मराठों पर प्रभुत्व की लालसा, ठीक है। हाँ, मराठों पर प्रभुत्व की लालसा, मतलब कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठों पर प्रभुत्व की लालसा, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि इनको हटाओ, क्या बेमतलब है, प्रभुत्व की लालसा, ठीक है भैया, लालच, ठीक है। अच्छा ये पूरी बात आपको बता रहे, आधे अधूरे ज्ञान देने की आदत नहीं हमारी। अच्छा समापन कैसे हुआ या परिणाम क्या रहा, तो परिणाम क्या रहा, तो आप देखेंगे परिणाम के मामले में एक चीज है कि पहले वाले युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो पहले वाले युद्ध का अंत हुआ सालबाई की संधि से। किस संधि से, सालबाई की संधि। और जाहिर सी बात है कि सालबाई की संधि कब हुई होगी, तो 1782 में हुई होगी, क्योंकि 1782 में ही युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, इस युद्ध का अंत हुआ कि मराठों ने है ना, मराठों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, मराठों ने सहायक संधि स्वीकारी, सहायक संधि एक्सेप्ट करनी पड़ी इनको, स्वीकारी क्या, स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है भैया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर मराठा राज्य खत्म हो गया, ठीक है, पेशवा पद समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 20 वर्षों तक, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सालबाई की संधि होगा, क्योंकि आप देखो सालबाई की संधि 1782 में हुई और उसके बाद देखो 1803 तक मामला ठीक ठाक बना रहा, तो 20 वर्षों तक मामला चला ना, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, हाँ जो सालबाई की संधि है किसने की, अरे भाई सालबाई की संधि किसने करी का है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और दूसरी तरफ कौन, पेशवा, ठीक है। और उस समय पेशवा कौन था, माधव नारायण राव, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो भैया एकदम इस तरीके से याद रखेंगे, एकदम वीके का जीके अंदाज है और अब की आप पेपरवर्क खोपड़ियां छेद करने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, फटाफट बताइए। हाँ भीमा कोरेगांव याद आ गया, ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए समझ गए। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यह था सआदत खां। कौन था, सआदत खां था। और यहां का अंतिम नवाब पूछे तो भैया वाजिद अली शाह था, ठीक है, वाजिद अली शाह था। और वाजिद अली शाह की बेगम थी कौन भाई, बेगम हजरत महल, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो भैया और क्या ही क्वेश्चन आता है, जैसे याद करिए भाई लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया, छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली ने बनवाया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों। चल अवध में, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था, तो पहली बात तो अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कब, 1856 में हुआ था।
किस आधार पर हुआ था? कुप्रशासन के आधार पर हुआ था। और यह कुप्रशासन जो है ना, कुप्रशासन की जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी? कुप्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, यह जेम्स आउटरम के द्वारा तैयार की गई थी। और जेम्स आउटरम ने जो रिपोर्ट बनाई उसी के आधार पर, ठीक है, अंग्रेजों ने इसको हड़पा। जब यहां का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, जिसके बाद वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके, अरे गिरफ्तार क्या कह लो, एक तरह से कलकत्ता में नजर बंद कर दिया गया। ठीक है भैया, ये पूरी जानकारी इसकी हो गई। चल अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? दोस्तों आपको बताएं कि जो आप पढ़ते हैं ना कि सिख राज्य का संस्थापक कौन, भाई सिख राज्य का, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो इन्हीं को तो माना जाता है, सिख साम्राज्य के संस्थापक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिख साम्राज्य की स्थापना से पहले सिखों की क्या स्थिति थी? ठीक है भैया, तो ये चीज आपको जाननी चाहिए कि सिख साम्राज्य की स्थापना से पहले सिख जो है ना छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, है ना। जो छोटे छोटे राज्य थे, इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को क्या कहा गया? छोटे छोटे राज्यों को ही मिसल कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा गया है। और कितनी मिसलें थी? 12 मिसलें थी। इसमें से जो सुकेर चकिया मिसल थी, इसी सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख कौन थे? महासिंह थे। और ये महासिंह कौन है? ये महासिंह महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी हैं। कौन है? महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी हैं। समझ गए? ये पूरी जानकारी है इसकी, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, मजा आए तो लाइक करते चलेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करते चलेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह ने की किसके साथ भाई? तो देखना भैया, पहली बात तो यह है कि यह संधि हुई थी 1809 में, ठीक है भैया। और एक तरफ कौन है? एक तरफ सिख थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है भैया। सिखों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर खुद महाराजा रणजीत सिंह ने किया, है ना, खुद महाराजा रणजीत सिंह ने किया। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से किसने किया? तो अंग्रेजों की तरफ से किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। दोस्तों ये वही चार्ल्स मेटकॉफ है जिसे भारतीय प्रेस का, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर थोड़े समय के लिए क्या हुआ कि ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना और उसी समय प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। समझ गए? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अमृतसर की संधि से हुआ क्या। अमृतसर की संधि में यह डिसाइड हुआ, देखना, अमृतसर की संधि में यह डिसाइड हुआ कि यहां पर जो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? सिखों का हो जाएगा, और है ना, सिखों का हो जाएगा, और जो पूर्व वाला क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहने का मतलब ये हो गया, एक तरह से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, है ना, कि अमृतसर की संधि के तहत, है ना, किस नदी को, है ना, किस नदी को अंग्रेजों तथा, है ना, सिख साम्राज्य के बीच की सीमा रेखा निर्धारित किया गया। ठीक है भैया प्रतिभा जी, तो ये चीज भी अक्सर पूछी जाती है। तो सतलुज नदी को सिखों तथा ब्रिटिश राज्य के बीच की बॉर्डर मान लिया गया, ठीक है, तो एक तरह से ये बहुत जबरदस्त चीज थी, ठीक। हाँ, और एक बात का और याद रखना कि जिस समय ये समझौता हुआ था ना, है ना, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो मिंटो था, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था। तो कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है कि भैया अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई, तो आप बताएंगे मिंटो प्रथम, ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर किसने किया था? तो मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है भैया। और अगर आपको याद हो तो ये क्या है, ये 1809 है, इसी के 100 साल बाद जाइए 1909, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया था तो देखो इसका तो नाम ही था मार्ले मिंटो सुधार, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। देखो मिंटो आ रहा है, तो ये मिंटो जो है इसको मिंटो में याद कर लो। ये मिंटो कौन था? मिंटो जो है उस समय वायसराय था, है ना, मिंटो द्वितीय वायसराय था जब ये मिंटो मार्ले मिंटो सुधार आया था। और इसके 100 साल पहले भी मिंटो ही था, लेकिन ये मिंटो प्रथम था, समझ रहे हैं, ये याद करने का जुगाड़ है, ठीक है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया? अब जब बात भैया, अब कोहिनूर हीरे की होगी एकदम पूरा वीके का जीके अंदाज में खुदाई, चलो भैया, है ना, एकदम जबरदस्त वाली खुदाई होगी, एकदम ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। चलो राइट आंसर तो साफ सूझा है, लेकिन आइए देखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो गोलकुंडा की खान, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा की खान से निकला। कहां से निकला? गोलकुंडा की खान से निकला। गोलकुंडा की खान से जब निकला तो किसको मिला? तो तेलंगाना के शासक थे, ठीक है भैया, तेलंगाना के शासक थे, है ना, रामचंद्र देव। क्या नाम था इनका?
है ना, रामचंद्र देव इनको मिला, ठीक है, हाँ, किसको मिला, रामचंद्र देव को मिला। अब रामचंद्र देव पर जब हमला किया मलिक काफूर ने, तो मलिक काफूर को है ना, मलिक काफूर से इन्होंने है ना अपनी जान बख्शने के बदले में कोहिनूर हीरा दिया। अब मलिक काफूर ने यह कोहिनूर हीरा लाकर किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, क्योंकि अब मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था, तो उसी को तो देगा। इसके बाद कोहिनूर हीरा कहां गया है वो पता नहीं चला। फिर अचानक से क्या हुआ कि यह कोहिनूर हीरा हुमायूं को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार से प्राप्त हुआ, है ना, ग्वालियर के है ना राजा के परिवार से प्राप्त हुआ, ठीक है, विक्रमजीत सिंह जब मारे गए परिवार से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये मुगलों के पास ही रहा, और फिर मुगलों में आगे चलकर आप देखेंगे शाहजहां आया। शाहजहां ने क्या किया, इसको भैया है ना मुकुट में है ना किसमें, तख्ते ताउस में जड़वा दिया, किसमें जड़वा दिया, तख्त एक ताउस में जड़वा दिया गया, है ना, तख्त एक ताउस में जड़वा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि जब भारत पर हमला हुआ किसका, नादिर शाह का, तो नादिर शाह क्या किया, नादिर शाह ने जब 1739 में करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया तो कोहिनूर हीरा वगैरह सब ले गया। नादिर शाह से ये किसको मिला, नादिर शाह के बाद ये मिल गया अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली के बाद ये किसे मिल गया, अहमद शाह अब्दाली के बाद ये मिल गया है ना शाह सूजा को, जो अफगानिस्तान का ठीक है एक तरह से कह लीजिए कि राजकुमार था। शाह सूजा से फिर किसको मिला, तो ये महाराजा रणजीत सिंह को मिला। महाराजा रणजीत सिंह के परिवार में ये रहा, और फिर जिस समय है ना दिलीप सिंह अंतिम सिख राजा हुए उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब डलहौजी गवर्नर जनरल था वो ले गए, और आज के समय में इसके तीन टुकड़े हैं जिसमें से एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है और बाकी के दो टुकड़े आज भी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये पूरी जानकारी है कोहिनूर हीरे की। इसमें से आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, एक ये आता है कि कहां से निकला, तो गोलकुंडा की खान से। दूसरा ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसे किससे प्राप्त किया, तो रामचंद्र देव से। रामचंद्र देव कौन थे, तेलंगाना के शासक थे, ठीक है, तेलंगाना है ना वारंगल इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। और ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता है, एक ये वाला क्वेश्चन आता है कौन सा भैया, कि महाराजा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया, शाह सूजा से, और है ना एक तो एक ये वाला आता है, और इसके अलावा ये कि भाई इस समय कहां है, तो वो आपका ब्रिटिश म्यूजियम में मिल जाएगा, ठीक है भैया। चल अगला क्वेश्चन, कौन सा मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था भैया, और खतरनाक क्वेश्चन है, बताओ भाई, मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। तो दोस्तों ऐसा है, इसके लिए मैं आपको क्या करूं, देखो एंग्लो मैसूर वॉर हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं एक बात और बताऊं कि ये चीजें लोगों को खतरनाक लगती हैं, डर लगता है, लेकिन क्या करोगे मित्र, डर के आगे जीत है, और आपको जीतना है, ठीक है, जीतना है आपको। कितने एंग्लो मैसूर वॉर हुए, तो कुल मिलाकर चार हुए। अब चारों जानोगे नहीं क्या, पहला हुआ था 1767 से 69, दूसरा हुआ था 1780 से 84, तीसरा हुआ था 1790 से 92, और चौथा कब हुआ था 1799, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान दो कि पहला वाला जब हुआ, ठीक है, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वेरे लस्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। जब दूसरा हुआ तब कौन था, तब दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जब तीसरा हुआ तब कौन था, तो भैया कार्नवालिस था, कार्नवालिस, क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जब चौथा हुआ तब कौन था, तब वेले जली था, कौन था, वेले जली तब था, ठीक है। अच्छा अब ये तो चलो हो गया, अब आप देखेंगे कि पहले और दूसरे वाले के समय हैदर अली था, ठीक है, मैसूर का नवाब, ठीक है, लेकिन हैदर अली की इसी दौरान क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर आता है कौन, टीपू सुल्तान आता है, कौन आता है, टीपू सुल्तान आता है, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। अब कौन से युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो पहले वाले युद्ध का अंत हुआ मद्रास की संधि से, किसकी संधि से, मद्रास की संधि से इस युद्ध का क्या हुआ, अंत हुआ, है ना। दूसरे वाले का अंत कैसे हुआ, दूसरे वाले का अंत हुआ मंगलोर की संधि से, ठीक है, मंगलोर की संधि से, ठीक है, मंगलोर की संधि। और तीसरे वाले का अंत कैसे हुआ, तो तीसरे का अंत हुआ श्रीरंगपट्टम की संधि से, श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है भाई। अच्छा और लास्ट वाले में क्या हुआ, टीपू मारा गया, ठीक है, टीपू जो है, टीप दिए गए, टीपू जो है मारा गया, ठीक, चलो समझ पा रहे, हाँ भाई, आप जरा ध्यान दो भैया, हाँ
या युद्धों से खोपड़ी में युद्ध होने लगा। होता ही है भाई, होता ही है, युद्धों को याद करना इतना आसान नहीं। अच्छा ये कौन सी संधि कब हुई, तो जाहिर सी बात है जब युद्ध समाप्त हुआ, जैसे 84 में समाप्त हुआ तो 84 में मंगलोर की संधि, 92 में समाप्त हुआ तो 92 में श्रीरंगपट्टम की संधि। समझ गए भैया, डाटा भूल जाता है ना, समझ सकते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा। लेकिन चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या पूछा था। मैं मंगलोर की संधि तो दूसरा वाला था, दूसरे वाले युद्ध का अंत मंगलोर की संधि से हुआ था। ठीक है चलो, किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने स्वीकार किया भारत वापस आने वाला है? जल्दी कोहिनूर। अरे बाबू आशीष, बड़ा मुश्किल काम है। चलिए हाँ चलो बताओ बताओ, सभी लोग बता रहे, ये तो बता ही होगे ना। हाँ सबका है, गैजाप भाई, निशांत बाबू का सबसे पहले आंसर आया एकदम सही, डिजराइली। शानदार भाई, देखिए डिजराइली जो है एकमात्र कह सकते हैं ऐसा ब्रिटिशर्स है जिसने माना कि राष्ट्रीय विद्रोह था, नहीं तो लोग कहां मानते हैं। ठीक है हाँ, और देखिए एक अशोक मेहता है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको महान विद्रोह कहा है। अशोक मेहता ने इसको क्या कहा है, महान विद्रोह कहा है, ग्रेट रिबेलियन कहा है। ठीक है इसको भी जरा याद रखना, क्या कहा है, महान विद्रोह कहा है। ठीक है अच्छा, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये तो बताई दोगे सभी लोग, कमेंट करो जरा, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, है ना, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे भैया, तो वो थे दोस्तों वीर सावरकर। कौन थे भाई, वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल 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 भाई हिमांशु, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, अभी मुझे लगता है कि कल ही तो बताया था कि कौन कौन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको याद रखने होते हैं, तो सारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया है कि यहां पर याद करना है पामस्टन, बताया था ना कि देखो एक पामस्टन याद कर लो, पामस्टन जरूरी होते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों में, और कौन जरूरी होता है, तो एक आपके लिए जरूरी होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन जरूरी होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड जरूरी होते हैं, इनका भी नाम पेपर में आता है ना, एक आपके विंस्टन चर्चिल जरूरी होते हैं, इनका भी नाम से पेपर में क्वेश्चन आता है, एक आपके क्लेमेंट एटली होते हैं, इनसे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, क्लेमेंट एटली, और एक आपकी मार्गरेट थैचर है, इनसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, मार्गरेट थैचर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और एक वर्तमान वाले याद कर लो क्या, बोरिस जॉनसन। ठीक है अभी भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है तो देखिए भाई क्या है, अब इनके बारे में क्या याद करना है, ये कि भाई पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछेगा कि जो गोलमेज सम्मेलन तीन हुए तो गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एक तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है अब विंस्टन चर्चिल भाई याद करिए, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो इस दौरान भी प्रधानमंत्री यही था। ठीक है इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो क्लेमेंट एटली जो है भारत की आजादी के समय 1947 में था, और ये कौन है, ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और वैसे तो पूरे दुनिया में एस भंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री हुई, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि आयरन लेडी के नाम से कौन मशहूर है, तो इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी की बढ़िया मित्र थी। ठीक है और प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है, क्या है ना भैया प्रेजेंट टाइम में। ठीक है तो इनको भी याद रखेंगे। कोरोना, कोरोना पॉजिटिव होने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है भैया हाँ, कौन थे, बोरिस जॉनसन। अब बोरे की तरफ पड़े रहेंगे चुप्पे, बचने का प्रयास नहीं करेंगे है ना कोरोना से, तो होगा ही क्या, अरे भाई कोरोना। ठीक है हाँ ना, कोरोना कोरोना कोरोना। चलो अभी हंसी आ रही है, जब नया नया आया था ना तो रोना ही आता था, है ना, कोरोना से पड़ गया बहुतों को रोना। चलो फिलहाल दबा के करेंगे लाइक, इसमें का ही कंजूसी है ना। चलो तो क्या क्वेश्चन है बबुआ। देखो भैया तो क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो सबको पता है मेरठ से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो पता होना चाहिए जरूरी बात क्या, कि कब शुरू हुआ, 10 मई 1857 को, एक तो ये याद करना है, दूसरा क्या याद करना है कि किस नेटिव इन्फेंट्री ने शुरू किया,
तो भैया 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या हो गया, रेजिमेंट हो गया, क्या हो गया, रेजिमेंट हो गया। तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंका, है ना, और किधर की तरफ कूच किया, दिल्ली कूच किया, किधर की तरफ कूच किया, दिल्ली कूच किया, और दिल्ली कूच जब किया तो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। कब पहुंचे दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर ये सैनिक पहुंचे 11 मई 1857 को। और इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसे 1857 की क्रांति की पहली घटना माना जाता है। क्या माना जाता है, 1857 की क्रांति की पहली घटना क्या है, यही कि विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या अधिकार कर लेना, दोनों ही ठीक है। तो दिल्ली के लाल किले पर अधिकार या दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 की क्रांति की पहली घटना है, ठीक है भैया। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया कि एक बात और बताएं कि अगर आपसे कहा जाएगा 1857 की क्रांति की पहली गोली किसने चलाई, तो भैया पहली गोली तो मंगल पांडे ने चलाई और दे दनादन धाय धाय मार दिया अपने दो सीनियर अधिकारियों को गोली, ठीक है। अच्छा, तो यह बात याद रखेंगे। और अंतिम घटना क्या है, तो भैया 1857 की क्रांति की अंतिम घटना अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे कि 1859 में मध्य भारत से तात्या टोपे की गिरफ्तारी, मध्य भारत से तात्या टोपे की गिरफ्तारी, ठीक है भैया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 1857 की पहली अंतिम घटना थी, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल, 20 जून को दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया था और दिल्ली वह पहला स्थान था जिस पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है, फटाफट बताइए कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। मुझे लगता है बड़े आसानी से आप जवाब दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बताओ भाई। तो भैया देखो, कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब ने, एकदम ठीक है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह तो थे नहीं, इलाहाबाद से कौन थे दोस्तों, लियाकत अली थे, इलाहाबाद से नेतृत्व को लीड कर रहे थे लियाकत अली दोस्तों, जी हाँ। और कुंवर सिंह कहां से थे, तो कह सकते हैं दानापुर या बिहार, दानापुर या बिहार या पटना या आरा, ठीक है भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों आता है, फैजाबाद से क्रांति को कौन लीड कर रहा था, ठीक है, ये क्यों जरूरी है पता है, फैजाबाद से जो क्रांति को लीड कर रहे थे क्या नाम था उनका, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। और ये क्यों जरूरी है पता है, मौलवी अहमदुल्ला इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है भैया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है आशीष बाबू, जितना जरूरी है उतना पढ़ाया है और इतना पर्याप्त है, ठीक है, केवल एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लो और टीपू सुल्तान से पूछा ही क्या जाता है, ठीक है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक, चले आगे बढ़ा जाए। और इनके ऊपर फिर इन्होंने, है ना, ये देखो पूछा क्वेश्चन आ भी गया मैं, है ना, कि भाई किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी थी, तो मौलवी अहमदुल्ला ने, जिन्होंने फैजाबाद से क्रांति को लीड किया था, फैजाबाद का अब अयोध्या नाम हो गया, ठीक है भैया। देखिए ये क्या है, एक तरफ सूची दिया है, दूसरी तरफ है ना ईयर दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भाई रूपम, ठीक है। तो जिहाद का नारा देकर मुस्लिमों को युद्ध में शामिल किया, तो अच्छा ही काम किया, उसमें कोई बुरा काम नहीं था, ठीक है भैया। तो भैया ये क्वेश्चन देखो भैया, सती प्रथा का उन्मूलन, अगर हम सती प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो सती प्रथा का अंत कब हुआ भाई, तो सती प्रथा का अंत हुआ 1829-30 में, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, है कि नहीं दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 में, किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है कि नहीं भाई। कन्या भ्रूण हत्या निषेध कब आया भाई, तो ये आपका आया 1804 में, और ये कब हुआ 1843 में, दास प्रथा का अंत, जिस समय गवर्नर जनरल कौन था, एलिन बरो था, कौन था भाई, एलिन बरो था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, समझ गए, एकदम शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चल तो भाई देखो, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, कब भाई, तो इन दोनों की स्थापना हुई थी 1866 में, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, ठीक है भैया। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 2-3 है ना भैया, और 2-4-3-1, 2-4-3-1, ठीक। और देखो बस खत्म होने वाला, दो क्वेश्चन और,
अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? तो प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1867 में प्रारंभ किया गया था, है कि नहीं भाई? चलो, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो पहली एशियाटिक सोसाइटी, तो भैया देखो, पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एग्जैक्टली कब हुई थी? 1784 में हुई थी। इसको, इसका पूरा नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता, और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। कौन थे? विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। ये वही विलियम जोन्स हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने गीत गोविंद का, अभियान शाकुंतलम का और मनुस्मृति का फारसी में, सॉरी इंग्लिश में अनुवाद किया है, ठीक है। 1929 का शारदा एक्ट अधिनियम में क्या हुआ था भैया? तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई थी? लड़कियों के लिए 14 वर्ष था और लड़कों के लिए 18 वर्ष था। लड़कों के लिए क्या था? लड़कों के लिए 18 वर्ष था, ठीक है। और ये किसके प्रयासों से आया था? तो डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? डॉक्टर हरविलास, जो कि अजमेर के निवासी थे, इन्हीं के प्रयासों से आया था यह अधिनियम, ठीक है भैया। तो यह भी याद रखेंगे, आया था 1929 में, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1930 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो बता चुके हैं, बॉम्बे में हुई थी, दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना, ठीक है भैया। जी हाँ, वेदों की ओर लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, और हम कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वैदिक शिक्षा के क्या थे? ये समर्थक थे। और अगली बात एक ये है कि भैया, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि विश्वविद्यालयों में, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर किसके पास है? विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रबल समर्थन किसने किया? धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक, चलिए फटाफट बताइए, विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे, है ना? किसने कहा था कि भैया विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए बस, किसका असली नाम मूल शंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, है ना, जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मूल शंकर था। स्वामी विवेकानंद का क्या था भैया? तो याद करिए, इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था, ठीक है भैया, नरेंद्रनाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, और विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है भैया। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है भाई। चलो, तो इसको आपको याद रखना है शानदार तरीके से। मुझे लगता है कि एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, ठीक है भैया। तो एकदम हो गया, 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, जी हाँ 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, डेट याद रखने की ट्रिक बिल्कुल ये है कि बार बार आप उसको रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास, आपको हमारा ये सेशन, आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आपके लिए ये बेहद फायदेमंद साबित होगा, आपके पेपर में आएगा। लेकिन हमारी भी ये आशाएं हैं कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ पाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं समाजवाद हूं, ये किताब लिखी थी विवेकानंद ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, जो लाइक वाइक ना किया वो कर देना, दोस्तों के बीच शेयर तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।